पे चिंतन करो, ठीक है। आप बड़े भाग्यशाली आत्मा है, महान आत्मा है, बाबा की गोद में आए हुए और उसका पूरा लाभ लेने का लक्ष्य रखे। और हर रोज सोचो मैं महान भाग्यशाली आत्मा, ये हो सकता है। सोचने से संकल्प का, वृत्ति का वाइब्रेशन हमारा औरा बनता है। सबका अपना औरा है, दुनिया में भी चोर का औरा अपना है, साधु का अपना है, महात्मा का अपना है, चीटिंग करने वाले का अपना औरा है, धोखा देने वाले का अपना औरा है, तपस्वी का अपना औरा है कि नहीं। तो हमारा औरा क्या है, क्या होना चाहिए? मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो आपको देख के लोग इतना प्रसन्न हो जाएंगे, अंदर से उनको इतना खुशी मिलेगी, सुख मिलेगी, क्योंकि आप महान भाग्यशाली। पता नहीं कितनों का भाग्य का निर्माण करने के लिए आप निमित्त बनते हैं। तो महान भाग्यशाली आत्माओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अपने आप को जोरदार से ताली बजाओ और बोलो मैं एक महान भाग्यशाली आत्मा हूं। बोलिए, मैं एक महान भाग्यशाली, ऐसे क्या बात है, अच्छे से बोलिए, ये आपके स्वतंत्र है। बोलिए मैं महान